84 सिख नसलकुशी के मामले च कांग्रेसी आगुआं दी शमूलियत तो इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सज्जन कुमार अदालत च दोषी करार दिता जा चुके है। उम्र कैद की सज़ा कट रहा है पर हुण तक कांग्रेस पार्टी यही दावा करती रही है कि उन्हें कदे दोषियों नूं बचाउण दी कोशिश नहीं की, जबकि एक IPS अफसर ने अपनी किताब च राजीव गांधी वालों सज्जन कुमार नूं बचाउण दा खुलासा किया है। जूलियो रिवेरो दी किताब दे विच वड्डा खुलासा, सज्जन कुमार नूं बचाउंदे रहे राजीव गांधी। सज्जन कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग ते भड़के सन राजीव गांधी। सज्जन बारे राजीव नाल गल करन दी भी सी मनाही। सज्जन बारे गल करन ते अग बबूला होए सन राजीव गांधी। साल 1984 दे विच सिखां दी नसलकुशी का दोषी सज्जन कुमार किवें 34 साल तक कानून के शिकंजे चो बचा रहा, इसका खुलासा किया साबका IPS जूलियो रिवेरो ने, जो कि पंजाब के काले समय दौरान पंजाब के DGP सन। अपनी किताब बुलेट फॉर बुलेट के मनुखी अधिकारों के कांड की उस समय की सब तो वड्डी घटना का उन्हें जिक्र किया। हजारा सिखां दे खून नाल रंगे सज्जन कुमार के हत्थां नूं किवें सियासी शह नाल धो दिता गया, यह खुलासा भी करती है जूलियो रिवेरो की किताब। राजीव गांधी ने सज्जन कुमार नूं सिख नसलकुशी का दोषी कदे मनिया ही नहीं क्योंकि सज्जन कुमार कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के वफादार सन। रिवेरो लिखते ने कि सज्जन कुमार बारे राजीव गांधी नाल गलबात करने की भी उन्होंने मनाही सी, पर फिर भी उन्होंने सज्जन कुमार बारे राजीव गांधी नाल जो गल की तो राजीव गांधी एकदम अग बबूला हो गए और उन्होंने सज्जन कुमार बारे कोई गल ही नहीं की। जूलियो रिवेरो यह भी जिक्र करते हैं कि उस वक्त पंजाब के लोगों के दिलों के दो गल्लां दा वड्डा दुख सी, पहला 1984 सिख कतलेआम का, दूजा इस कतलेआम के दोषियों को बचाने का। रिवेरो लिखते ने कि मैं पता सी राजीव गांधी की अगवाई वाली सरकार 84 के दोषियों के खिलाफ निरपक्ष जांच कराने की मंशा नहीं रखती, पर मैं इस सच को पंजाब की जनता सामने उजागर नहीं कर सकता सी। 1984 के विच होई सिख नसलकुशी के विच अपनों गवाउण वाले पीड़ितों के जख्म अजे भी भरे ने, कांग्रेसी आगू सैम पित्रोदा वर्गियां दे बयान इन्हां जख्मां ते एसिड छिड़कण का काम करते हैं। 84 दौरान अपने पूरे परिवार को गवाउण वाली पीड़ित बीबी जगदीश कौर ने दिल्ली की पार्लीमेंट स्ट्रीट थाने तत्काली प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिस क्रिमिनल साजिश, कतल, पीड़ को भड़काउण अते धमकाउण वर्गियां धारावां शामिल कीतियां गईयां ने। इन्ना ही नहीं, उन्होंने अपनी शिकायत विच राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लैण दी भी मंग कीती है। 34 साल एड्डा वड्डा कातल, एड्डे वड्डे कातल लगा के रखे ते उन्होंने वो चौधियां ते बिठाया, जब तक उन्होंने कानून दोषी नहीं ठहराउंदा सी मैं कुछ नहीं कर सकती। हुण उन्होंने कानून ने दोषी ठहराया और कानून ने यह भी आख्या भी इन्हों कानूनी पुछ बनाई जी बचाती रही, अगर नहीं बच सकते वड्डे कातल। दूसरी गल ये भी वह भी उड़ा ही वड्डा दोषी आ जिहड़ा कातल नूं पनाह दिंदा। गांधी तो बाद विच भी सोनिया गांधी भी चेयर पर्सन सी, उन्हूं किन्ना चेर उच्च अहुदिया ने बिठाया, मिनिस्टर बनाया, अज कमलनाथ नूं उत्थे मुख्यमंत्री बनाया, भारत रत्न का भी ना तोहीन करिए। दिल्ली की विधवा कलोनी की दहलीज से कदम रखद्या ही 84 के उस दर्द की टीस अज भी महसूस की जा सकती है। जूलियो रिवेरो की किताब के खुलासे इस गल नूं साफ करते हैं कि राजीव गांधी की सरकार की मंशा मुलजमान के खिलाफ किस तरह की सी। पर उस तो भी वो सोचण गंभीर गल यह है कि सज्जन कुमार राजीव गांधी और उस तो बाद भी गांधी परिवार की शह नाल बचता रहा, 34 साल बाद अदालत विच दोषी करार होया। पर इसके बावजूद कांग्रेस यही दावा करती रही है कि 84 च सिखां नाल होई बेइंसाफी दे विच उन्हां दी कोई शमूलियत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़।